वालेकुम गाइस, आज हम घर में फ्री बैठे थे, टोटली फ्री बैठे हुए थे, तो हमने सोचा कुछ ग्रिल किया जाए, कुछ खाया जाए। तो हमने सोचा कि घर पे शुआया बनाते हैं, मुर्गी अंदर घूम रही है। आई कैंट एक्सप्रेस माई हंगर यार, ये अब ये जो सा टाइम होता है ना, इधर इंतजार नहीं होता, बंदा कहता है फौरन आ जाए भाई मुर्गी। अब ये देखें, ये रेड हो चुकी है, इस वक्त मुझसे बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा था। मेरा दिल कर रहा था अभी इसको बाहर निकालूं और खा लूं, लेकिन क्या करें, अब कच्ची तो खा नहीं सकते। आई थिंक सो, ये हाफली कुक हो चुकी है और अब हमें इस पर ऑयल अप्लाई करना चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हैं कि हम इस पर अब ऑयल अप्लाई कर रहे हैं। चलो भाई, इसका काम तो हो गया, अब बस गाड़ी निकालते हैं और मंसी से चावल लेने चलते हैं। ये देखें, अब ये प्रॉपरली इसको ऑयल लगा चुके हैं हम। ये देखें कितनी मतलब ब्यूटीफुली कुक हो गई है ये। तो अब हम चलते हैं रोमांसिया से चावल लेने। अब हम जा रहे हैं रोमांसिया चावल लेने के लिए। अब आपको भी दिखाते हैं रास्ता। अब आप देख सकते हैं हम रोमांसिया पहुंच चुके हैं। ये यहाँ से बेवरेजेस भी मिलती हैं और हर किस्म के मतलब राइस भी मिलते हैं। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। अब अंधेरा है, आपको सॉरी नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन हमने यहाँ से रोमांसिया के चावल लिए हैं। हम आपसे पार्किंग लगा के ऊपर मिलते हैं। अब देखें, ये जो चिकन है ये रेडी टू सर्व है और एक जूसी सी फील आ रही है इसको देख के। अब ये जो से चिकन है, देखें इसकी रेडनेस, अब इसको हम सर्व करते हैं। ये जितना हमने कुक किया है इसमें कम से कम 8-10% ईजिली इंजॉय कर सकते हैं। कैन सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर अवर अपकमिंग न्यू वीडियोज़।